ये हम लोग कितने आ रहे हैं घर निकलने के लिए। अरे भैया क्यों बैठे? भनिन्छ पुतलीले आफ्नो सुन्दर पखेटा मामा जी तो मैं रेडी हो गए पर मेरी तरफ से लेट हो रहा है क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे, मैं लेट उठा हूँ, छुट्टी चल रही है तो सोचा कि थोड़ा लेट सो लूं। मामा रेडी है? हाँ रेडी है। एक गाना और हो जाए? हो जाए। चम्मच चम्मच जीरा जिस तरह की उम्मीद थी उस तरह लग नहीं रहा कि धूप निकलेगी, पर धूप निकल गया है और हम लोग निकल रहे हैं भीमा पार नौगढ़। तो मिलते हैं आपको अगले ट्रिप में और दिखाते हैं सब कुछ आपको। तो फ्रेंड हम लोग अपने मामा के यहाँ से निकल रहे हैं और सभी को नमस्ते बोलने के लिए रुका हूँ थोड़ा। तो बाय चंदन। हाँ बाय। अरे इधर देख लो थोड़ा। अरे देखो तो सही। अरे देख तो सही। क्या हुआ? नमस्ते मामी। और जैसे हमने आपसे कहा था हम लोग निकल चुके हैं गाड़ी पे, हमारी बाइक रेडी और हम लोग निकल रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त मौसम हो गया, सुबह तो लग रहा था कि बहुत ठंडा मौसम रहेगा और धुंध काफी रहेगी, लेकिन मामा क्या कहना है? इस समय तो मौसम मजा है, इस समय तो मौसम साफ हो गया है। सुबह में तो देखने में ऐसा लग रहा था कि हम लोग नहीं जा पाएंगे सूरजगढ़। हाँ वही तो, लेकिन मौसम बहुत ही झकास है। देखिए आपको धूप में दिखाने को दिख रहा, देखिए और निकल रहे हैं तो मिलते हैं आगे कुछ। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चाय नाश्ते के लिए रुके हुए हैं, तो ये हमारे मनीष मेरे मामा के लड़के। तो निकले मामा? हाँ निकले। ये निकलते हैं फ्रेंड, हम लोग थोड़ा रुके हुए हैं यहाँ पर हाईवे पे सिद्धार्थ नगर के यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार स्टैचू है, मैं आपको दूर से दिखाता हूँ। जब हालत हो रही है खराब, दिन लग रही है बहुत जोर, ठंडी हो रहा है, बाहर देखो कब तक काम चला रहे हैं, मजा आ रहा है। फोटो कितना मजा आ रहा है। बहुत शानदार रोड है और हम लोग उड़ रहे हैं इस टाइम पे। तो फ्रेंड्स हम लोग रुके हुए हैं, थोड़ा यहाँ पर क्रिकेट मैच हो रहा था, जबरदस्त भीड़ है, दिखाते हैं आपको फ्रंट कैमरे से कैसा चल रहा है मैच। ग्रेट शॉट, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त भीड़ है लोगों की और यहाँ पर एक टूर्नामेंट हो रहा है क्रिकेट मैच का, बहुत ही जबरदस्त। मैं आपको पिच दिखाता थोड़ा सा क्लोज कर। चलिए हम निकल रहे हैं, आप चलिए और चलिए आपको नेचर ब्यूटी दिखाता हूँ, जबरदस्त हरियाली है। हम कम से कम यहाँ पर 100 की स्पीड में गाड़ी चल रही है। भाई बाइक चला के हैं, इन्हें को मालूम हुआ ठंडक के बारे में। थोड़े होने पे ठंडक नहीं लग रही है लेकिन बाइक चलाने में बहुत बुरा ठंडक लग रहा है। हाँ ये तो है। देखिए मैं मौसी के यहाँ अपने आया हूँ, ये मेरी मौसी का खेत है और मैं बच्चों को टॉफी लेके आया था, इनका सर्दी था कि इतना हाथ में निकाल लो, ये इतना ले लिए कि इनके जेब में नहीं आ रहा, नीचे गिर रहा है। तो टॉफी लेके मजा आया, इनके हाथ में कितनी टॉफी है ये अभी संभाल नहीं पा रही, इसका जेब पूरा भरा हुआ। ये रूही है, इसने इतनी टॉफी ले ली है कि बार में कि पूरी जेब भर गई। देख लीजिए आप, बहुत ही शानदार यहाँ पर हरियाली। देखिए हमारे मौसा जी बैठे हैं, वहाँ प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं। ये हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी मौसी के घर। ये देखिए मैं तो छोटी मौसी कपड़े उपड़े धुल रही हैं और मैं दिखाने रहा हूँ बहनी को काम नहीं हो रही। ये रही देखिए हम लोग बेटी से मिल लिए और हम लोग निकल रहे हैं और हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं, बहुत ही शानदार व्यू। दोस्तों मेहनत हम लोग बहुत कर रहे हैं। हाँ प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा। घंटी बजाना जरूरी है। हाँ। खेत में पानी चल रहा है लोगों के। चलिए मिलते हैं आगे।
ये हम लोग चिनिया थाने से निकल चुके हैं और हम लोग अभी रास्ते में मानो को ठंड ज्यादा लग रही है, तो बीच में लाके गत्ता पकड़ा दिया ताकि ठंड कम लगे। मौज तो मेरी है, बैठो बीच साहब भाई, मुझे ठंड लग रही है इसकी वजह से, देखो मैं चिपका हुआ हूँ। और ये देखिए मैं पहुंच चुका हूँ बाबू के पास, सुसुमैन देखो।